वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इरफान खान और ऋषि कपूर ने बीते दिनों दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों ही एक्टर दमदार एक्टर थे और उन्होंने लोगों का खूब प्यार बटोरा था। सोशल मीडिया पर लोग लगातार उनसे जुड़ी यादें शेयर कर रहे थे। उनके जाने से न सिर्फ उनका परिवार या फिल्म इंडस्ट्री बल्कि फैंस का भी दिल टूट चुका है। दोनों एक्टर्सों की याद में महानायक अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट शेयर किया है। दोनों कलाकारों की तस्वीर शेयर करते हुए बिग बी ने लिखा, एक वृद्ध लोकप्रिय जानी मानी हस्ती की मृत्यु वर्सेस एक जवान लोकप्रिय जाने माने हस्ती की मृत्यु, हमें जवान की मृत्यु का दुख ज्यादा क्यों लगता है, शोक की घड़ी में ज्यादा भारी क्यों लगती है। दोनों ही अपनी अपनी जगह कायम प्रचलित पॉपुलर जानी मानी हस्तियां, फिर एक शोक दूसरे से ज्यादा गंभीर क्यों लगता है, क्योंकि जो जवान था उसकी गुंजाइश की मृत्यु हो गई, जो उससे संभावनाएं बन सकती थी वो समाप्त हो गई। वहीं इरफान खान की मृत्यु पर दुखी अमिताभ बच्चन ने लिखा, इरफान खान की मृत्यु की खबर बहुत ही दुखी करने वाली है। वे एक शानदार एक्टर, बेहतरीन कलीग और विश्व सिनेमा के अनमोल सितारे थे, वो हमें छोड़कर चले गए। अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया है, अमर अकबर एंथनी, कभी कभी, अजूबा, 102 नॉट आउट आदि। वहीं इरफान खान के साथ उन्होंने पीकू और डी डे में शानदार फिल्में दी है। वहीं अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के लिए गाना भी शेयर किया है। गाने का वीडियो शेयर करते हुए बिग बी ने लिखा, वक्त ने क्या हंसी सितम किया, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के लिए एक ब्लॉग भी लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि वे कभी भी उनसे मिलने हॉस्पिटल नहीं गए, क्योंकि मैं उनके भोले चेहरे पर परेशानी नहीं देखना चाहता था। मुझे पूरा यकीन है कि वे अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर ही होंगे। 24 घंटे में बॉलीवुड के दो सितारे खो गए। बता दें, दोनों ही अभिनेता कैंसर का इलाज कराकर 2019 में भारत लौटे थे। मनोरंजन जगत से जुड़ी ताजातरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका क्या कहना हमारी वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेटेस्ट खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।